हेलो माय डियर, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? आई होप कि यू ऑल आर फाइन। फाइन। हाँ, तो देखो, तो आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का कल हमने स्टार्ट किया था। तो आपने पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हाँ, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं। तो जैसे कि कल हमने ये पूरा पेज पढ़ लिया था, आज हम इसका नेक्स्ट पेज करेंगे। तो आज हम ये पेज ही करेंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे पढ़ने को है। तो हम एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के फिर आगे जाएंगे, क्योंकि लिए इसमें बहुत सारी प्रेडिकेट की और सब्जेक्ट की डेफिनेशन आ रही है, तो वो हमें पढ़ना है इसलिए। ओके, तो इधर क्या लिखा है? वेन वी आस्क वर्ब हु और वॉट, वी गेट द सब्जेक्ट। When we ask verb, क्या जब हम verb पूछते हैं, who या what, तब हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है subject। हम verb पूछते हैं, who is playing the boys, what is beautiful the watch, तो वो subject है हमारा। Now put a question, what is said about subject? इन ईच अबाउ सेंटेंस द फॉलोइंग। अब ये इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, इसमें हु और वॉट डाल दिया, वहां पर हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। चाहे स पर्सन हो या चाहे कोई थिंग हो, हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। क्या? चाहे पर्सन हो या चाहे कोई थिंग हो, अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है, तो दो तीन बार मेरे साथ बोलो। द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक और बार बोलो। द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यस, एक और बार। द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक और बार। द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ओके, क्लियर? सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, चाहे वो पर्सन हो या चाहे कोई थिंग हो, अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि इधर देखो, वॉट इज सेट अबाउट द पियन, ठीक है। पियन अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो हम वो हमारा सब्जेक्ट है। तो जैसे कि वो ऊपर वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया था, अब हम नीचे बोल रहे हैं। वॉट इज सेट अबाउट द पियन, रिंग्स द बेल। वॉट इज सेट अबाउट द बॉयज, प्ले क्रिकेट। वॉट इज सेट अबाउट द वॉच इज ब्यूटिफुल। वॉट इज सेट अबाउट द मैंगोज आर स्वीट। दस दिस आंसर से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये ऊपर वाले ये जो आंसर है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। समथिंग से अबाउट सब्जेक्ट। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वॉट डू यू मीन बाय प्रेडिकेट? समथिंग समथिंग से अबाउट द सब्जेक्ट। अबाउट द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो प्रेडिकेट होता है। ओके, पहला जो हम बता रहे थे, जो प्रेडिकेट से जो निकल रहा था वो हमारा सब्जेक्ट था, और अब जो सब्जेक्ट से जो निकल रहा है वो हमारा
प्रेडिकेट, मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट जो है उसको डिस्क्राइब करने को प्रेडिकेट बोलते हैं। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो अब प्रेडिकेट के बारे में बताती हूँ मैं, प्रेडिकेट की डेफिनेशन याद रखते हैं। सेंटेंस हम कल करेंगे, आज हम प्रेडिकेट तक करेंगे। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोल रहे हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में हम जो बोल रहे हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब एक और बार हम उसकी प्रेडिकेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हम एक और बार बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और द थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सो ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद करना, इन दोनों को बहुत अच्छे समझना, आप मम्मी पापा को ये समझाना तो यू कैन क्लियर। अगर अपन किसी और को पढ़ाते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, ये फंडा याद रखना। अगर आपको ये समझ में आ भी गया हो थोड़ा, तो आप मम्मी पापा को समझा देना, ये दिमाग में रह जाएगा। ओके बाय, अब हम कल की क्लास में मिलते हैं।